हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। लास्ट वीडियो में हमने देखा पार्ट वन, गिव एंड टेक। अब हम लोग आज पार्ट टू शुरू करते हैं। पेज नंबर 36 पर, अब यहाँ पर स्टोरी से स्टार्ट होता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताऊँगा। वंस अ बेबी लायन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। जो एक बेबी लायन होता है वो जंगल के अंदर अपना रास्ता भूल जाता है। ही स्टार्टेड क्राइंग, और वो क्राइंग रोना शुरू कर देता है। एंड कॉल आउट फॉर हिज मदर, और अपनी मम्मी के लिए चिल्लाता है ना। कोई भी बेबी जो होता है वो रोता है और मम्मी को याद करता है, वैसे ही ये बेबी लायन कर रहा था। एंड ओल्ड डियर टुक पीटी ऑन हिम, जो एक ओल्ड डियर था उसको उसके ऊपर दया आ गई। ही टुक हिम टू हिज प्लेस, और वो उसको अपने प्लेस पे लेके गई। बट द अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड, पर जो दूसरे डियर थे वो क्या करने लगे, डरने लगे। क्योंकि लायन से तो डियर डरते हैं ना भाई, वरना वो उनको खा जाएगा। तो ये सब डरने लगे बाकी के। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स रैबिट, स्क्विरल्स एंड बर्ड्स। अ लायन अमोंग अस, ओह नो, ही विल ईट अप आवर बेबीज। तो सब लोग कहने लगे कि भाई लायन हमारे साथ नहीं, वो क्या करेगा, हमारे सारे बेबीज को ईट कर जाएगा, खा जाएगा। द ओल्ड डियर सेड डोंट वरी, ओल्ड डियर ने कहा कि आप चिंता मत करो। आई विल वॉर्न हिम अबाउट दिस इन द मॉर्निंग, कि मैं इसके बारे में बात कर लूँगा, सबको वॉर्न कर दूँगा उसको भी मॉर्निंग में। द बेबी लायन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लिव, और बेबी लायन ने क्या बोला, सबको थैंक यू बोला और साथ में रहने लग गया। बट अ रैबिट सेड वेट, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज़ डन एनी मिसचीफ। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि उसने कुछ किया तो नहीं है क्या गलती। वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट, हम लोग टोटल 240 एनिमल्स हैं, रैबिट्स और ये सब मिला के, तो चलो हम सबको गिनते हैं। टिल्लू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, देयर वेर 27 रैबिट्स एंड 48 डियर्स। द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स एंड स्क्विरल्स, दे वेर 124 एंड स्क्विरल्स 38। यानी ऐसे करके वो सारे एनिमल्स को काउंट करते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम सबको ऐड करके अच्छे से देख लेते हैं कि टोटल कितना होता है। नाउ लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मैनी डियर एंड रैबिट्स वेयर देयर, कि डियर और रैबिट्स कितने थे। नंबर ऑफ डियर, यहाँ पर कितने थे नंबर ऑफ डियर्स, 48, एंड नंबर ऑफ रैबिट 27। तो देखिए दोनों यहाँ पर लिखे हुए है, ये 10 से और ये 1 से। तो यहाँ पर 10 10 10 कितने हो गए, 4 5 6, यहाँ पर 2 है तो 6 हो गए। और यहाँ पर देखिए अलग जो है 8 और 7, वो अलग से लिखा है। तो अभी यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो एक 10 ऐड हो जाएगा, कैरी हो जाएगा ना, ये सारे गिनेंगे, ये देखो 10 बन गए। तो यहाँ पे एक 10 ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर 4 के ऊपर 1 आएगा। यहाँ पर 8 और 7 कितने होते हैं, 15, तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 1 कैरी हो गया। पुटिंग ऑल द वंस टुगेदर वी विल गेट 15 एंड 10, 1 मेक्स 10 एंड वी आर लेफ्ट विद 5, यस, और 5 बचे तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद हमने कैरी ओवर करके इसको काउंट किया तो ये कितने हो रहे हैं, 7। नाउ पुटिंग टुगेदर ऑल द टेंस वी विल गेट 7 10, सो टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट इज इक्वल टू 75। तो अभी ये दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं, टोटल 75। अब ऐसे ही सिमिलरली वी ऐड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्विरल्स। तो अब बर्ड्स और स्क्विरल्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बर्ड्स कितने थे, 124, तो यहाँ पर देखिए 100 10 और 1, तो ये हो गए 124, एंड स्क्विरल जो थी वो 38। तो यहाँ पर इनको ऐड किया, यहाँ पर देखिए काउंट किया तो ये 10 हो रहे हैं, तो एक 10 का ऐड किया यहाँ पे हमने कैरी की, तो कितने हो गए, देन पुटिंग टूगेदर टेंस एंड लास्टली द हंड्रेड्स वी गेट। तो हमें कितना मिला, ये जो मिला है वो लिखा है 100, ये 10 10 के 6 और 2, सो 162।
वो जो आगे थे वो 75 थे और ये 162। सो टूगेदर बर्ड्स एंड स्क्विरल्स वेयर 162 एंड डियर एंड रैबिट्स वेयर 75। द ओल्ड डियर सेड वी वेयर 214 नंबर्स, नाउ हाउ मैनी वी इन ऑल। तो चलिए आप लोग गैस कीजिए कि अब हम लोग कितने हो गए सारे मिला के। कैन यू गैस नाउ इफ द बेबी लायन विल गो बैक होम, हैज़ द बेबी लायन ईटन अप एनिमल। क्या आप सोचते हो कि बेबी लायन अगर घर पे जाएगा तो क्या उसने कुछ एनिमल्स को ईट किया होगा। टू फाइंड आउट डू द एडिशन इन द बॉक्स बिलो। तो अभी आपको ये सबका एडिशन, ये दोनों का कितना था जो बर्ड्स थे और स्क्विरल का कितना होता था 162 ये, और ये डियर और रैबिट का 75। तो इन दोनों का एडिशन हमें यहाँ करके आंसर यहाँ पे आपको लाना है। आंसर जो भी आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या बेबी लायन ने कोई एनिमल्स को ईट किया था या नहीं, या फिर वो कर सकता है इतना छोटा होगा तो। तो यहाँ पर एडिशन ख़त्म होता है। अब सामने के पेज पर हाउ मैनी बल्ब्स, यहाँ पर हमें बल्ब्स काउंट करने हैं। अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पर फैक्ट्री में 217 बल्ब्स बनाए। ऑन द सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स, और सेकेंड डे पर उन्होंने कितने बनाए 123। नाउ हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक टूगेदर। तो फैक्ट्री ने दोनों मिल के दोनों दिन में कितने बल्ब बनाए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फर्स्ट डे 270 बल्ब्स एंड सेकेंड डे 123 बल्ब्स। तो अभी दोनों का क्या होगा सम, इज द सम मोर देन 350 से ज़्यादा होगा और लेस देन 350 क्या होता है सोचिए आप। आई थिंक 270 एंड 100 इज 370, सो देन द सम इज मोर देन 350। तो 350 से ज़्यादा ही होगा ना, यहाँ पर देखिए 270 तो है ही और वहाँ भी 100 प्लस है दूसरे दिन में भी, तो 350 होगा ही। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, बल्ब्स कितने थे टू फर्स्ट डे 270 एंड सेकेंड डे पर 123। तो यहाँ पर ज़ीरो में 3 ऐड करेंगे तो 3, 7 में 2 ऐड किया तो 9 और 2 में 1 ऐड किया तो 3। सो टोटल कितने बल्ब दोनों दिन में बने, 393 बल्ब्स बने, यानी कि 400 में सिर्फ 7 ही बाकी। तो ये है उसका आंसर। सेकंड वन, अ शॉपकीपर रफ़ी हैड 153 कैंडल्स, पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स। सो हाउ मैनी कैंडल्स डज रफ़ी हैव नाउ। रफ़ी की जो दुकान शॉपकीपर था उसके पास 153 कैंडल्स थी और पारस जो है उसको 237 कैंडल्स और देता है। तो अब दोनों मिलके कितनी होती है, देखिए यहाँ पर रफ़ी दे रहा है, इसके पास कितनी थी 153 और जो पारस ने उसको दी 237। तो अभी इसको दोनों को क्या करना है, एडिशन करना पड़ेगा। 237 प्लस 153 इज द सम मोर देन 400 और लेस देन 400 क्या होगा सोचिए आप, सोचकर बताइए ना कितना होगा, 400 से लेस होगा या फिर मोर होगा, है ना, बहुत इजी आप सोच सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 100 ऐड करके देख सकते हो। अब नीचे यहाँ पर पूरा सम दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से गिनना है और फिर आंसर देना है, बहुत ही इजी है, इसके अंदर कैरी भी शायद आएगी, हाँ कैरी वाला ही सम है। ओके, नाउ वर्क आउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स इन द सेम वे। अब यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसको भी हमें सेम वैसे ही सॉल्व करना है। रीड इच प्रॉब्लम एंड से इट इन योर वर्ड्स, गैस द आंसर बिफोर राइटिंग इट। लिखने से पहले आपको आंसर को गैस भी कर देना है। ए, सबसे पहला है, अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल, अनदर कंपार्टमेंट इज कैरिंग 129 पीपल, इन ऑल हाउ मैनी पीपल आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट्स। तो दो कंपार्टमेंट्स के यहाँ पर पीपल दिए हुए हैं, कितने कितने हैं, 132 है एक में और सेकेंड जो है उसमें 129। तो दोनों में कितने होंगे, सबसे पहले आप गैस करिए आंसर को और फिर आप अपनी नोटबुक में और यहाँ टेक्स्ट बुक में भी यहाँ साइड में आप
लिख दीजिए, यहाँ पर जगह नहीं दी हुई तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और नोटबुक में भी आपको इसको कंप्लीट करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप यूट्यूब के अंदर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बी क्वेश्चन है जिसके अंदर है सोनू फाउंड 138 पेबल्स, जो सोनू है उसको ये 138 पेबल्स मिले हैं, एंड करीम फाउंड 44 पेबल्स, और ये जो करीम लड़का है उसको 44 पेबल्स मिले हैं। सो हाउ मैनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल, तो दोनों ने मिलकर कितने पेबल्स इकट्ठे किए होंगे, तो इसको काउंट करना है हमको, ऐड करना है 138 + 44, ये भी कैरी वाला सम है, आपको कैरी ऐड करके इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद सी, अ टीचर कैप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट स्टूडेंट्स लाइक इन हर स्कूल, दिस इज व्हाट सी फाउंड, तो उनको क्या मिलता है, कौन से स्टूडेंट्स को कौन से फ्रूट पसंद है वो टीचर लिखती है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स है बॉयज़ है, तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में से ऑरेंजेस किसको पसंद है, इन लोगों को ऑरेंजेस पसंद है, तो इन दोनों का एडिशन करना है, और मैंगोज किन को पसंद है, इतने गर्ल्स को इतने बॉयज़ को, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखना है, और टोटल गर्ल्स को कौन फ्रूट पसंद है, वैसी गर्ल्स कौन सी है, ये 136 इसका टोटल यहाँ पे, और ये दोनों का बॉयज़ को कौन कौन से फ्रूट पसंद है, इन दोनों का टोटल यहाँ पे, और इधर ग्रैंड टोटल, ये जो टोटल आए और ये टोटल, तो यहाँ पे दोनों का सेम आंसर होगा, तो ये आपको कंप्लीट करना है। ये नीचे देखिए उसके चारों क्वेश्चन हैं, आपको क्या क्या सॉल्व करना है। ए में हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंजेस, तो कितने स्टूडेंट्स को ऑरेंजेस पसंद है, तो आपको सबसे पहले इसका आंसर लिखना है। सेकेंड बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगोज, मैंगोज कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे करना है। थ्री नंबर, ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं मिलके, तो यहाँ पे लिखना है, ये टोटल यहाँ पे, ये दोनों का जो टोटल होगा उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे होगा, तो वो इसका आंसर होने वाला है। एंड इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350, ये भी आपको गैस करके बताना है कि गर्ल्स 350 से मोर है या फिर लेस है। अब पीछे के पेज पर प्रैक्टिस टाइम, ओके, यहाँ पर देखिए आपने अब तक जो भी लर्न किया है वो सारे यहाँ पर सम्स दिए हुए हैं, आपको भी बॉक्स बना के ऊपर वो 100, 10 और 1 ऐसा बना के आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए इतने सम्स है ना, तो ये आप लोग कर लेना है, बहुत ईजी है। पजल, एडिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वी नेवर हैव अ फाइट, एडिशन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कभी मेरी उसके साथ फाइट होती नहीं है। When I am done, call out to him and check if I am right, और मैं right हूँ कि नहीं वो मैं बोलता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर एक दूसरी गेम है, माइंड बस गेम, इसे पहले पार्ट में भी हमने वो एक गेम देखी थी ना, मैंगो और चिली वाली गेम, तो यहाँ पर बस गेम है। यहाँ पर बस के देखिए अलग अलग दिख रही है, यहाँ पर पूरे टोटल है, यहाँ पे अलग अलग नंबर से माइनस के सम्स है सारे और प्लस के सम्स है, देखिए यहाँ पर, तो आपको हर ये सम्स जो लाइन में दिए हुए उसको आंसर करना है, तो उसको आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 5 5 पॉइंट मिलेंगे, और सबसे पहले जो ये गेम कंप्लीट करेगा वो ये गेम का विनर होगा। तो आप 2 या 3 फ्रेंड्स एक साथ मिलके खेल सकते हो। सामने के पेज पर, नाउ वर्क आउट फॉर डिफरेंट वेज टू राइट द नंबर्स, इफ़ यू ऐड ऑल द नंबर्स इन द फर्स्ट बॉक्स यू विल ऑलवेज गेट 59। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है 59 का, तो यहाँ पर आप ये जितने भी नंबर्स है उसको ऐड करोगे तो 59 आंसर ही आएगा। 50 + 9 30 + 29 19 + 40 59 + 0, तो ऐसे ही आपको भी सोच के लिखना है। 78 को अलग अलग कौन से नंबर से हम प्लस करेंगे तो उसका ये आंसर होगा, ओके, तो आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना। इसके नीचे यहाँ पर पजल्स दी हुई है, राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इन द सर्कल सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12। आपको ये नंबर्स को ऐसे लिखना है जैसे कि कहीं से भी हम लोग इसको देखें, कौन सी भी साइड से, यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें, ऐसा
तो उसका सम जो है वो फिगर का 12 आना चाहिए। तो ये पजल आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट पेज पर है फाइंड मोहन्स बैग। मोहन की बैग हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्लस वाले आंसर्स हैं एडिशन के। और यहाँ पर देखिए मोहन की जो बैग है वहाँ पर आपको ऐसे लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हुए जहाँ जहाँ भी आंसर आता है वैसे आपको ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ नीचे मोहन की बैग है वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो उसके लिए आपको ये ए से लेके मतलब ए और बी का आंसर तो दिया हुआ है, एल तक आपको सारे आंसर कंप्लीट करने हैं जो कि बहुत ही सिंपल एडिशंस हैं। फाइंड मोहन्स बैग एंड चेक योर आंसर्स, आपके आंसर्स भी चेक करने हैं और मोहन की बैग भी। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द नंबर्स इन विच आर आंसर्स रिटन इन द बॉक्सेस अबोव, जो नंबर्स लिखे हैं वहाँ पे आपको लाइन करते जाना है जो कि ये बॉक्स में आंसर आएंगे वैसे नंबर के हिसाब से ए बी सी डी ई एफ जी। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक गेम है कार्ड गेम। वन डे बंसरी एंड गोपू वर प्लेइंग, बंसरी गेव थ्री नंबर कार्ड्स टू गोपू, थ्री नंबर्स देती है उसको। ही अरेंज द कार्ड्स इन टू वेज, और दो अलग अलग वेज में उसको अरेंज करती है। कैन यू अरेंज दिस कार्ड्स अदर देन दिस टू वेज, देखिए यहाँ पर 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 120, तो ये उसका आंसर होगा। इसने कार्ड चेंज कर दी कि 120 को यहाँ ला दिया है और 30 को यहाँ पर। तो ऐसे ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम नहीं है, बंसरी अरेंज देम इन दिस वे, और बंसरी ने उसको ऐसे अरेंज किया। यहाँ पे ऊपर देखिए माइनस में थे, अब यहाँ पर प्लस में, 120 प्लस 30 तो कितने होते हैं 150, 30 प्लस 120 इज इक्वल टू 150। इजंट इट इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है ना। दोनों देखिए ये नंबर यहाँ पे आ गया, ये नंबर यहाँ पे, पर आंसर तो दोनों का सेम ही रहेगा। सो हियर वी गो, यू कैन ऑल्सो प्ले इट, हियर आर द कार्ड्स फॉर यू, यहाँ पर हमारे लिए कार्ड्स दिए हुए देखिए ए और बी। वर्क आउट द कॉम्बिनेशन, प्लेस द कार्ड्स इन द राइट बॉक्स, कि आपको राइट बॉक्स में यहाँ पर कार्ड को रखना है। ये देखिए तीन कार्ड है 1 2 3, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ये तीनों ऐसे तीन बॉक्स है 1 2 3, तो उसको अलग अलग तरीके से रखना है। सेम इसको भी ऐसे ही करना, यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर भी तीन अलग अलग कार्ड से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपको पेंसिल से इसको अंदर नंबर्स लिखने हैं और इसको अच्छे से कंप्लीट करना है ये जो कार्ड की गेम है उसे। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर में हमने अलग अलग नंबर की पैटर्न्स देखी, यहाँ पर देखिए कैसे जंप करते हैं वो देखा, 10 नंबर्स फर्स्ट पेज पे। उसके बाद यहाँ पर भी हमने ट्राई किया कि कैसे जंप मार के लेफ्ट या राइट लेके एक या दो नंबर आगे पीछे करके हम लोग पहुँच सकते हैं, और ये किट्टू के घर में हमने कलर्स किए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी हमने देखा कि अगर आगे या पीछे एक या दो नंबर ऐड करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिंग मेक इजी, कैसे एडिंग इजी हो जाता है, मतलब कि नंबर्स को ब्रेक कर करके हमें आंसर देने थे। नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ नंबर्स ब्रेक करके आपको आंसर लिखने थे, ये भी आपने अच्छे से कंप्लीट किया, और हमने मैंगो चिली गेम भी यहाँ पर खेली थी। उसके बाद ये स्टोरी हमने देखी जो एक बेबी लायन की थी, और यहाँ पर वो सारे एनिमल्स का एडिशन हमने किया है, ये पूरा वही है चैप्टर। उसके बाद ये बल्ब्स का एडिशन किया हमने और इसे भी कंप्लीट किया। उसके बाद ये रफी वाला प्रॉब्लम और ये जो थे वो सारे बहुत ही इजी थे, आपको सिर्फ एडिशन ही देखना था। उसके बाद हमने ये प्रैक्टिस किया, और एक और गेम माइंड बस गेम वो खेला हमने यहाँ पर, और ये नंबर्स है। इसके बाद हमने ये मोहन के बैग को ढूंढा, सारे आंसर ख़त्म किया आपने, और यहाँ पर लास्ट में हमने कार्ड गेम खेली। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अब आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे।